एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 12th। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। जर्मन फिजिसिस्ट भौतिकी वैज्ञानिक सीमेन ओम्स, उसने एक रिलेशन दिया वोल्टेज एंड करंट के बीच में। तो वो रिलेशन है वो ओम्स लॉ कहा जाता है। यही रिलेशन को समझने के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन पता है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको दो केस, दो कंडीशन दे रहा हूँ जो आपको सोचनी है। योर फर्स्ट कंडीशन इज, हमारे पास दो बीकर है, केस वन, बीकर ए एंड बीकर बी। दोनों बीकर को एक पाइपलाइन से कनेक्ट किया हुआ है और दोनों बीकर में जो वाटर फिल किया हुआ है, भरा हुआ है, उसकी जो फ्री सरफेस है उसके बीच में जो हाइट का जो डिफरेंस है वो है h1। एंड इन अवर सेकंड केस, सेम बीकर लेकिन उसकी जो फ्री सरफेस है उसके बीच में हाइट का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर विथ केस वन। वो जो डिफरेंस है हाइट का वो है h2। तो किस में पानी ज़्यादा फ्लो होगा, केस वन और केस टू? आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली केस टू, क्योंकि सेकंड केस में जो हाइट का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है। मानो ज़्यादा स्लोप होगा तो पानी जल्दी से फ्लो होगा, है ना? तो जो डिफरेंस है वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और जो फ्लो ऑफ वाटर है वैसे यहाँ पे है वो है फ्लो ऑफ चार्ज, मींस इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे अभी आपने बोला, जितना हाइट का डिफरेंस ज़्यादा, मीन्स जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा उतना करंट ज़्यादा। मीन्स अगर आप हाइट बढ़ा रहे हो तो पानी का फ्लो ज़्यादा हो रहा है। मीन्स आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट का जो फ्लो है वो भी ज़्यादा होगा। अगर पोटेंशियल कम कर रहे हो तो करंट का जो फ्लो है, सॉरी, चार्ज का जो फ्लो है वो भी क्या होगा, कम होगा। मीन्स मैथमेटिकली यू कैन से दैट वी इज लिनियरली प्रोपोर्शनल टू आई। दोनों साथ में बढ़ते हैं, फिर साथ में कम भी होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है उसको इंसर्ट करो तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा आपका, वी इज इक्वल टू आई आर। जो यहाँ पे आर है, वेयर आर इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, जिसकी हम आगे बात कर रहे थे, ये वही रेजिस्टेंस है जो हमने एमीटर और वोल्ट मीटर में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, वही बात। जिस मटेरियल की अपोज करने की जो प्रॉपर्टीज है उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो पहले तो ओम्स लॉ है उसका स्टेटमेंट है वो हम नोट कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स जिसमें से चार्ज फ्लो हो पाता है उसको कहा जाता है कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। ये जो पीडी है वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शन में है, इलेक्ट्रिक करंट के। लेकिन कब, कुछ कंडीशन है, एट कॉन्स्टेंट
टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन है उसकी रैंडम मोशन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो क्या है, ओपोज, इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देना है, वही है हमारा रेजिस्टेंस। जैसे ट्रैफिक बढ़ जाती है तो कोलिजन बढ़ जाती है, वैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कोलिजन, कोलिजन मीन्स टकराना, एक दूसरे के साथ जो टकराव होता है वो मेटालिक रोड है, मेटालिक कंडक्टर है, तो उसमें एटम भी हो गए, उसके न्यूक्लियस भी हो गए, तो जो न्यूक्लियस है उसके साथ भी इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होती है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कोलिजन होती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडम मोशन है बढ़ जाएगी, रैंडम मोशन बढ़ जाएगी, रैंडम मोशन मीन्स इधर उधर घूमना बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा टकराना हो जाएगा एक दूसरे के साथ। उसके लिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसके लिए हमने एक कंडीशन डाल दी इस लॉ में और वो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इन बातों से रेजिस्टेंस के लिए हमें ओम्स लॉ के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो कैसा मिलेगा? तो ओम्स लॉ का अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मीन्स ग्राफ ड्रॉ करना है, इन शॉर्ट हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वी वर्सेस आई या फिर आई वर्सेस वी। जब भी कोई लिनियर रिलेशन है, प्रोपोर्शनल रिलेशन कुछ ऐसा मिलता है, तो बच्चों उसका ग्राफ ऑलवेज ओरिजिन में से पास होगा और वो ग्राफ है वो एक लिनियर ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ को कहा जाता है लिनियर ग्राफ। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लाइन मिले, ये जो है वो भी ओम्स लॉ ही दिखाती है, लेकिन जो लाइन होगी वो एक लिनियर लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो यहां से हमें और क्वेश्चन मिलता है, एंड दैट इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं या फिर नोट कर लेते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। जैसे अभी आगे हमने बात की, इट इज the property of conductor to resist, resist means oppose karna, resist the flow of charge, aur mathematically resistance ka jo symbol hai wo hai R। मैथमेटिकली लिखना चाहते हो तो ओम्स लॉ से हमें मिल सकता है आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो यहां से यूनिट क्या मिलेगा हमें, वोल्ट पर एम्पियर, ये हो गया इसका यूनिट। दूसरा यूनिट भी है उसका, साइंटिस्ट के नेम पर सही है, जर्मन साइंटिस्ट सिमोन ओम्स के नेम पर सही है। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम, और उसका जो सिंबल है ओम का कुछ ऐसा करना है। तो ये था रेजिस्टेंस। थैंक यू, देखते रहिए ई साइंस प्लस।